प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव के नेतृत्व में समय सामाजिक परिवर्तन यात्रा 11 नवंबर को गोरखपुर पहुंच रही है, जिसके संबंध में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि समय सामाजिक परिवर्तन यात्रा पूरे प्रदेश में सफलता का परचम लहराते हुए 11 नवंबर को गोरखपुर पहुँच रही है, जिसका भव्य स्वागत सहजनवा से प्रारंभ होगा और चंपा देवी पार्क में भव्य जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि समय सामाजिक परिवर्तन यात्रा 12 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और नवंबर माह के अंत में जाकर अयोध्या में समाप्त होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने कहा, ग्यारह तारीख को सदैव शिवपाल सिंह जी की सामाजिक परिवर्तन यात्रा अपने पुण्य ध्येय और सफलता के परचम पूरे प्रदेश में लहराते हुए गोरखपुर पहुंच रही है, जिसका भव्य स्वागत सहजनवा से प्रारंभ होगा, पैडलेगंज होते हुए चंपा देवी पार्क तक होगा। यह 12 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ है और नवंबर माह के अंत में जाकर अयोध्या में समाप्त होगा, जहां से यह उद्घोष किया जाएगा कि राम कृष्ण और शिव की यह पवित्र धरती सांप्रदायिक शक्तियों ने बहुत कलुषित कर रखा है, उनसे मुक्त कराने की यह यात्रा है। कितना कारगर रथ यात्रा जोड़ने के लिए लोगों इस कारगर यात्रा की सफलता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि जब से शिवपाल सिंह जी की यात्रा अपना बढ़ रही है आगे, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के खेमों में खलबलाहट सी मची हुई है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सामाजिक परिवर्तन यात्रा की बयार अब आंधी में बदल चुकी है। विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? विधानसभा चुनाव में सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलता हर मोर्चे पर, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर। NCRB रिपोर्ट कह रही है कि अपहरण और हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर एक है, यह गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट है। सामाजिक उद्देश्य को लेकर जो सूची अभी आई है, जारी हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर है, देश 120वें स्थान पर है, प्रति व्यक्ति आय में हमारा प्रदेश 32वें स्थान पर है। कहाँ का विकास? यह विकास चंद उद्योगपतियों के अलावा और कहीं नहीं हुआ है। इसी के विरुद्ध यह परिवर्तन यात्रा एक सिंहनाद है। युवाओं की हर पार्टियाँ बात कर रही है, इस पर जाने हमारी पार्टी ही तो एक युवा है, उत्तर प्रदेश की सबसे युवा पार्टी का नाम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी है। किस तरह से जोड़ा जाएगा युवाओं को? हमारी पार्टी में इस यात्रा का पूरा संयोजन युवाओं के हाथ में है। शिवपाल सिंह जी के मार्गदर्शन में, जयप्रकाश जी के मार्गदर्शन में, घनश्याम जी और अंशुमान जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश का युवा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को अपना मंच बनाकर उत्तर प्रदेश में सार्थक परिवर्तन के लिए अपने अपने घर से निकल चुका है। जंग छिड़ी बेईमानों से, हम निकले बंद मकानों से।